गुड मॉर्निंग बी एस सी बी एड सेकेंड ईयर एंड बी एस सी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन, केमिस्ट्री का सिलेबस, किस तरीके से हमें पढ़ना है केमिस्ट्री को, ये बताया था और केमिकल काइनेटिक का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, रासायनिक बल गतिकी का परिचय दिया था मैंने। तो लेक्चर नंबर 1 जिसका पेंडिंग है वो फटाफट लेक्चर नंबर 1 लगा लो, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को भी अटेंड कर लेना। लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने केमिकल काइनेटिक की डेफिनेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट, दर क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन पे एक लेक्चर कंप्लीट आपको कल भी मिलेगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन पक्का आता है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के सेंस में, रेट के सेंस में, टाइम की रिस्पेक्ट में, समय के आधार पर हम केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला नाम क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको बोलते हैं अपने वेरी फास्ट को बोलते हैं ताक्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रियाएं। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शंस, मंद अभिक्रियाएं जो बहुत टाइम लेती हैं। थर्ड टाइप आती है मॉडरेट टाइप की रिएक्शन, जो कि ना तो समय ज़्यादा लेती है ना समय कम लेती है, मॉडरेट टाइप की, फाइनल टाइम में कम्प्लीट होती है। तो 3 टाइप्स की टोटल आपके केमिकल रिएक्शन हैं केमिकल काइनेटिक्स में। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। द केमिकल रिएक्शंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तीनों याद कर लो, तीनों नोट कर लो, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस एंड मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। अब अपने इसको डीपली पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, बड़ी फास्ट रिएक्शंस, यानी बहुत स्पीडली जो होती है, बहुत फास्टली होती है। मतलब ये मान लो कि ऐसी रिएक्शंस जो विद इन 10^-14 टू लेकर के 10^-16 सेकंड्स में हो जाती है, 16 सेकंड मतलब नैनो सेकंड में जो कंप्लीट हो जाए, वो रिएक्शंस जो होती हैं वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं, यानी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। बच्चों कोई आपको एग्जांपल ध्यान आ रहा हो कि फास्ट रिएक्शंस का, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि फास्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये रिएक्शन जो कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है 10^-14 और 10^-16, 10^-14, 10^ से लेकर के -16 सेकंड तक ये कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब बहुत नैनो टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। बच्चों ओके, बच्चों जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी होती है फास्ट रिएक्शंस, एग्जांपल कोई भी फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल बताओ बच्चों। बच्चों फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फटाफट। पहले आपके इसके बारे में पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या क्या लिख करके आने हैं आपको एग्जाम में, और ये कहना क्या चाहता है, दीज रिएक्शंस आर सो फास्ट दे अकर्स एज सून एज रिएक्टेंट आर ब्रॉट टुगेदर। मतलब ये रिएक्शन जो होती है बड़ी फास्टली होती है, हमें पता नहीं लगता कि कब रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और कब क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से चलती है और कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है, अर्थात ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में बहुत कम समय लगती हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट होने में फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी बहुत ही कम समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, है ना, इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। जनरली दीज रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज, दस आर नोन एज आयनिक रिएक्शन। इस प्रकार की रिएक्शंस में मोस्टली आपको आयनिक रिएक्शंस मिलेगी, आयनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी, जो आपको अभिकारक मिलेंगे ना वो आयनिक होंगे, आयनिक प्रवृत्ति के होंगे। सर ऐसा क्यों, हमने आयनिक रिएक्शंस को ही फास्ट रिएक्शन क्यों बोला, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। बच्चों देखते हैं आगे, सामान्यतः इसमें अभिकारक आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें आयनिक अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये सारी जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बड़ी तीव्र गति वाली अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जिसको पूरा होने में, कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है। दीज रिएक्शंस टेक प्लेस अबाउट 10^-14 टू 10^-16 सेकेंड फॉर कंप्लीशन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पूरा होने के लिए 10^-14, 10^-10 10^-16 सेकंड से भी कम समय लगता है पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए।
बच्चों ये टाइम नोट कर लेना बच्चों आप, ये इतना टाइम अप्रोक्सीमेटली लगता है, इससे भी बहुत कम समय लगता है, नैनो सेकंड में, विद इन नैनो सेकंड्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, है ना। अगर हम बात करें इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शन। अगर आपको इन रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं आपको आयनिक रिएक्शन वो दे रहा हूँ आपको को करने के लिए। बच्चों जाओ लैब में जाओ और ये आयनिक रिएक्शन करो, जाओ इसका वो रेट निकाल के लाओ कि कितना टाइम लगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए। बच्चे कहेंगे सर हम तो निकाल ही नहीं पा रहे, हम कैसे निकालें इस बात को, है ना। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही माइन्यूट टाइम में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ये पूरी होती है, नैनो सेकंड में हमें पता नहीं लगता कि रिएक्शन कब होगी। जैसे ही आपने रिएक्टेंट मिलाए, रिएक्शन कंप्लीट होगी। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग मापना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होता है, ऐसी रिएक्शन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन हमारी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें इन रिएक्शन में हम ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं ला सकते हैं, है ना। हमें इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम इस रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते जब इसका हम वेग ही नहीं निकाल सकते, जब इसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं होती हैं। इसीलिए केमिकल काइनेटिक में आयनिक रिएक्शंस को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बड़ी फास्टली होती हैं, बहुत ही कम समय में होती हैं और बहुत स्पीडली हो जाती हैं। अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स आयनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जितनी भी ऑर्गेनिक की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और आयनिक अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र अभिक्रियाओं के यानी फास्टेस्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। बच्चों ये नोट कर लो बच्चों इसको, ये मैंने पूरा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, कोई दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट हुई कौन सी रिएक्शंस, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया जो बड़ी स्पीडली होती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ये आपने लाइन लिख के आनी है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है, यानी बहुत कम समय लगता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका, थर्ड पॉइंट हो गया और फोर्थ पॉइंट हो गया और एग्जांपल हो गए। आगे बच्चों इसके एग्जांपल करने जा रहे हैं अपने, वो देखते हैं। बच्चों फर्स्ट एग्जांपल की बात करें अपने, तो हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। जब AgCl का अवक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो ये AgCl का अवक्षेपण मिलता है हमें, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चों सबसे पहले आपने एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। बच्चों आपसे एक और पूछता हूं मैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ ये दोनों कंपाउंड की नेचर कैसी है, ये आयोनिक नेचर के होते हैं या कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, ये कौन से इनकी नेचर क्या है, आयनिक प्रवृत्ति या कोवेलेंट नेचर यानी सह संयोजक प्रवृत्ति, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि ये कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहो फटाफट। ये देखो बच्चों, जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अपने सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, आपको पता है कि दोनों के दोनों आयोनिक नेचर के हैं, दोनों के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयोनिक बंध पाया जाता है AgNO3 और NaCl में। बच्चों आपसे मैं पूछता हूँ कि दोनों के दोनों आयोनिक बॉन्ड है, क्या इस बॉन्ड को ब्रेक होने में, क्या इस बॉन्ड को बनने में, मेक होने में या ब्रोकन ऑफ बॉन्ड या मेकिंग ऑफ बॉन्ड में टाइम लगता है क्या? पहली बात तो इसमें सर आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। बच्चों आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या है कि आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनते हैं, जल्दी बताओ फटाफट,
कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख करके कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको पहले करवाई हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर में। जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, जल्दी बताओ कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अभी अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे NaCl है, NaCl में Na से Cl की तरफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसीलिए इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इसमें क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपको ये बात बताई हुई, जब दो आयंस ऐसे के ऐसे पड़े हो, वो भी अपोजिट चार्ज वाले, विपरीत आवेश वाले, जब दो आयन ऐसे पड़े रहते हैं तो उनके बीच में स्थिर अवस्था में एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको बोलते हैं स्थैतिक विद्युत आकर्षण बल, है ना। उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको बोला गया आयनिक बॉन्ड बोला गया। इसका मतलब इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसमें आयन्स टूटेंगे। जैसे मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिलाता हूं, जैसे इसको मैं जलीय विलयन के अंदर मिलाता हूं, तो AgNO3 आयन्स में टूट जाएगा। और जैसे ये आयन्स में टूटेगा, तो Ag जो होगा ना, जो Ag होगा वो तुरंत Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा। यानी इसमें हो क्या रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, ये पॉजिटिव चार्ज इसका, ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। तो Ag सिल्वर जो है वो क्लोराइड आयन के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा। Ag भी क्या है, पॉजिटिव आयन, Cl क्या है, नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, फटाफट क्या बन जाता है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आराम से पड़े हैं। और ये पड़े पड़े क्या लगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कोई बॉन्ड टूटते नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड बनते नहीं है, यहाँ पर कोई बंधों का निर्माण नहीं होता, ना कोई बंध टूटते हैं। बच्चों बात समझ में आई, यहाँ कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, एक प्रकार का सिंपल आकर्षण बल काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो कि अब जो कि पहले कर रहा था Ag और NO3 के बीच में और NaCl के बीच में। जैसे ही इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया, तो Na पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, Ag प्लस बन गया, NO3 नेगेटिव बन गया। और Ag ने तुरंत क्या किया, Cl के साथ रिएक्शन कर ली। NO3 ने क्या किया, Na के साथ रिएक्शन कर ली। और AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि आयनिक नेचर के होते हैं। और सिल्वर क्लोराइड एक प्रकार की पीपीटी बनती है, जिसकी पीपीटी होती है वाइट कलर की। कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को नोट कर लो, ये एक प्रकार की आयनिक रिएक्शन है जहां पर बॉन्ड्स नहीं बने हैं। ऐसी रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन जहां बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, बंधों का निर्माण नहीं होता है, बंध टूटते नहीं है, एक सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और फटाफट आयन्स के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। और विद इन 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने के लिए। ये होती है बच्चों आयनिक रिएक्शन, ये होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी तीव्र अभिक्रियाओं का बेस्ट एग्जांपल किया हमने आज। समझ आई बच्चों बात, समझ आई। आगे नेक्स्ट टाइप की एग्जांपल करने जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड। जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रेसिपिटेशन। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, और ये भी एक प्रकार की आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अपने करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनता क्या है बच्चों, एक तो बनता है अपना बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेशन है, जो कि एक अवक्षेपण है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज डिसॉल्व की, उसकी पीपीटी बन गई, वो ना
जो भी आपने कंटेनर लिया है उसके उसके बॉटम पे वो चीज सबमिट होगी, उसके तल पे वो चीज जमा होगी, है ना। तो बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनती है, और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है इसमें 2 मोल हाइड्रोजन, और क्या बनता है इसमें 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं बच्चों। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, और ये सारे के सारे कैसे हैं, आयोनिक रिएक्शन के एग्जांपल, जहां बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, बॉन्ड्स ब्रेकिंग नहीं होते हैं, ना तो बंधों का निर्माण होता है, सिंपल फोर्स अट्रैक्शन काम करता है। आपको पता है बेरियम पे चार्ज क्या होता है, Ba+2। आपको पता है हाइड्रोजन में चार्ज क्या होता है, +1। इस पे क्या होता है, -2। इस पे क्या होता है, -2। आपको पता है हाइड्रोजन दो है तो दो चार्ज आ जाएंगे, दो पॉजिटिव के। तो इस तरीके से आपस में ये रिएक्शन करते हैं। बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली। दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, क्या बन गया, 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, जो कि एक पीपीटी है, एक प्रेसिपिटेशन है, एक अवक्षेपण है। लो बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लो, चलते हैं आगे। अब आगे आती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस व्हेन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। हम अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं ना, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये अपने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई बात, कि क्या बनता है। एक तो बनते हैं बच्चों, मैं बोलने जा रहा हूं, एक बनते हैं सोल्ट, बनते हैं सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, एक बनता है वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये हमेशा याद रखना, जब जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, जब जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, जिसको उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें सोल्ट और लवण और पानी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। चलते हैं इस रिएक्शन को आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH की रिएक्शन करवाने पर, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है, आपको मैंने बोला है कि क्या बनता है, सोल्ट बनता है। तो NaCl क्या एक प्रकार का सोल्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको मैंने ये बात बताई हुई है कि नेगेटिव जो होगा वो जाएगा पॉजिटिव के साथ, चला गया, और जो पॉजिटिव होगा जाएगा नेगेटिव के साथ, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अगर मैं दोबारा लिख करके बताऊँ आपको समझ में नहीं आई बात, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बन क्या रहा है, बन क्या रहा है बच्चों, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, एक लवण है, प्लस क्या बन रहा है, H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये तीनों रिएक्शन जो है वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल हुए कंप्लीट, और वेरी फास्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। सेकंड टाइप का रिएक्शन आने जा रही है, स्लो रिएक्शन यानी मंद अभिक्रिया। देयर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर एक्सट्रीमली स्लो, दे मे टेक मंथ टूगेदर टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट रूम टेम्परेचर, जो कई महीने लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में, कई टेक से मंथ, टेक से ईयर्स, कभी कई कई साल उसको लग जाते हैं कंप्लीट होने के लिए। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टडी काइनेटिक ऑफ सच रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को काइनेटिकली स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसी अभिक्रियाओं को भी अपने कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लेती है, और उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात मंद अभिक्रियाएं पूर्ण होने में कुछ मिनट से लेकर के कई वर्ष ले सकती है, इसलिए इन्हें मंद या धीमी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने, रिएक्शन ऑफ एटमोस्फियर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन बेसिक लेड एसिटेट। जब एटमोस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड की बेसिक जो अपना क्षारीय लेड एसिटेट पे के साथ रिएक्शन करता है, उसको बहुत टाइम लगता है, काफ़ी काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी महीने लग जाते हैं। रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, वो भी रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर पर जब कोई रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं अपने, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाने पर एट रूम टेम्परेचर, इसको बहुत टाइम लगता है, और बनता क्या है, CH3OH। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, CH3OH को क्या बोलते हैं, फटाफट इसका ऑर्गेनिक नेम बताओ, IUPAC। कार्बन मतलब एक, एक मतलब होता है मेथ, मेथ, और OH का मतलब होता है ओल, सफिक्स क्या लगेगा, ओल, मैथेनोल, एल्कोहल है ना ये, मैथेनोल। इसका नाम क्या है बच्चों, मैथेनोल,
मैथेनोल, मैथेनोल द रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल एट 298 केल्विन बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रिएक्शन स्पीड स्लोली, बहुत स्लोली रिएक्शन है ये, बहुत ही टाइम लगता है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए एट रूम टेम्परेचर तो इसमें काफ़ी समय लगता है। ये एग्जाम्पल हुआ स्लो रिएक्शंस का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आएगा बच्चा आप, बच्चों आपका आएगा कौन सा, रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, कई साल लग जाते हैं। अभिक्रिया उष्मा गति की रूप से 298 केल्विन तापमान पर संभव होती है लेकिन वास्तविक अभ्यास में ये अभिक्रिया गति धीरे धीरे होती है, ये बात हिंदी मीडियम में हमने की। ये एग्जाम्पल बच्चों नोट कर लो आप, जल्दी चलते हैं आगे। फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आने जा रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स वेरी स्लो, लोहे में जंग लगना धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपने क्या किया, मार्केट से कोई बाइक लेकर के आए, कोई स्कूटी लेकर के आए, आपने उस पर पेंट नहीं करवाया, वो लोहे की बाइक थी उस पर कोटिंग नहीं करवाई आपने, क्या होगा बच्चों, बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, अगले दिन देखा तो उस पर एक रेडिश रेडिश सी कोई पार्ट लग गया उस पर, रेडिश टाइप के कुछ कुछ क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। उस पर जैसी पानी की बूंदें पड़ेंगी, पानी की बूंदें पड़ेंगी, ये रहा H2O की बूंदें पड़ेंगी, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी आयरन के साथ, तो बहुत समय तक, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम के बाद उसमें एक रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें एक ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जहां पर आयरन जो आपका Fe जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। जब आयरन आपकी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर मतलब मॉइस्चर है, मॉइस्चर में पानी होते ही होता है, वाटर कंटेंट अवेलेबल होते ही होता है, जैसे बारिश होती है। और आपको पता है वातावरण में, एटमोसफियर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी 3 मोल्स ऑफ O2, 6 मोल्स ऑफ H2O और 4 मोल्स ऑफ Fe के साथ जब रिएक्शन करते हैं आयरन के साथ, लोहे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ट्राई हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन होती है, जो कि डिहाइड्रेट होकर के, जलायोजित होकर के Fe2O3 और H2O की फॉर्मेशन करता है, डॉट H2O की फॉर्मेशन करता है। एक्स लगा देना, एक्स एक्स H2O, Fe2O3 डॉट XH2O की फॉर्मेशन करता है। हमें नहीं पता वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, कितने भी बन सकते हैं, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये वाला फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें सर, इसमें हमारा नुकसान क्या है, देखो बच्चों, ये लोहा जो है ना, लोहा जो आयरन है वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है, मतलब आयरन निकल रहा है। इसका मतलब आपने कभी नोट किया हो, जब भी लोहे पे जंग लगती है तो वहां पर छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, धूल पाउडर की फॉर्म में। तो इसका मतलब वो आयरन जो है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, लोहा जो है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे सर, कैसे, जितनी भी आप रेलवे की पटरियां देखते हो तो वहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन आपको बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। हमारी सारी रेलवे की पटरियां इस चक्कर में खराब हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ये कारण है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें उसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, हमें इसको पेंट करना पड़ेगा, ताकि वाटर का कंटेंट, जो वाटर का कॉन्टैक्ट है वो तोड़ दो, पानी के कॉन्टैक्ट में ना आए, हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर हवा और पानी दोनों मिल गए ना तो ये बन जाएगा, और ये बनते ही इसका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होते ही क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि फेरिक ऑक्साइड, सॉरी, फेरिक का मतलब क्या होता है और फेरस का मतलब क्या होता है, फेरस का मतलब क्या होता है और फेरिक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, ये आप अभी बताएंगे। फेरिक, व्हाट इज फेरिक, और फेरस का मतलब क्या होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन फेरस और फेरिक। बच्चों थर्ड टाइप की रिएक्शन आने जा रही है, मॉडरेट रिएक्शन, जो मैंने पूछा है अभी, बताओ कमेंट सेक्शन में कि फेरिक क्या होता है और फेरस क्या होता है, जल्दी बताओ। मॉडरेट रिएक्शंस या मध्यम प्रकार की अभिक्रियाएं, वे रिएक्शंस दैट हैव ए वेलोसिटी बिटवीन फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। बच्चों वो रिएक्शन मॉडरेट टाइप की रिएक्शन होती हैं, जो बीच की होती हैं, ना तो जिसको कंप्लीट होने पे ज़्यादा समय लगता है, ना जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, बीच का टाइम लगता है, वो बात बोली गई है ना। मीन दैट सच रिएक्शन टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट देन फास्ट रिएक्शन बट लेस टाइम
लेस टाइम देन स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ना, जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं उससे तो उसका समय लगता है कम, है ना। जो स्लो रिएक्शंस हैं उससे उसका समय ज़्यादा लगता है, मतलब उससे समय कम लगता है। सॉरी, अगर हम बात करें दोबारा इसको पढ़ें कि मॉडरेट रिएक्शन मीन दैट सच रिएक्शंस टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट देन फास्ट रिएक्शंस, जिसको फास्ट अभिक्रियाओं से फास्ट रिएक्शन से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और स्लो रिएक्शंस से लेस टाइम लगता है, कम समय लगता है। हिंदी में बोलूं, वे अभिक्रियाएं जिनका तीव्र अभिक्रियाओं और मंद अभिक्रियाओं के मध्य होता है, जिनका वेग तीव्र अभिक्रियाओं और मंद अभिक्रियाओं के मध्य होता है, इन्हें मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं को पूर्ण होने में तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक समय लगता है लेकिन मंद अभिक्रियाओं से कम समय लगता है, बीच की होती हैं। जिसको अगर मैं सिंपल सी वन लाइन में डिफाइन करूं, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, ये भी लाइन आप ऐड कर सकते हो, विच रिएक्शंस कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, वह अभिक्रियाएं जो निश्चित समय में पूरी होती हैं, जिसको पूर्ण होने में निश्चित समय लगता है, वह अभिक्रियाएं मध्यम प्रकार की या मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं, मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं। बच्चों एक बात और लिख लो नोट डाल करके, ऑल मॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शंस, ऑल मॉलिक्यूलर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऑल मॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शंस या ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती हैं आर मॉडरेट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अणुओं का निर्माण होता है, वो सारी की सारी आणविक अभिक्रियाएं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। सर ये होती क्या है बताता हूँ अभी। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती हैं वो सारी की सारी मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जो कि फाइनाइट टाइम में एक निश्चित समय में पूर्ण होती हैं। ओके बच्चों, अब अपने देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं फटाफट, मॉडरेट रिएक्शंस का। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को लूँ तो 2H2O2 की फॉर्मेशन होती है और ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है, विघटन होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन पढ़ने जा रहे हैं और ये बनाता है H2O बनाता है और प्लस क्या बनाता है, ये एक O2 का मॉलिक्यूल बनाता है, है ना, और ये दो H2O बन गए। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, ये फाइनाइट टाइम का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ ये बात को। इसलिए ये रिएक्शन एग्जांपल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जांपल हो गया। ओके बच्चों ये एग्जांपल हो गया। अगर मैं आगे बात करूं, एक एग्जांपल और लेते हैं अपने बच्चों, इसमें नहीं है वो एग्जांपल, मैं तुम्हें सिंपल सी एक रिएक्शन बताता हूँ कि अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं अपने। अमोनिया की फॉर्मेशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए होते हैं, 3 मोल ऑफ H2 और N2 चाहिए होता है और बनता क्या है, 2 मोल NH3 बन जाता है, है ना, ये बन जाता है। मैं दोबारा लिखता हूँ, H2 के साथ जब 3H2 की रिएक्शन करवाते हैं मोल्स की तो 2 मोल NH3 बनता है। बच्चों इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई बताओ, पहले ये बताओ कि हाइड्रोजन कैसी नेचर का है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, पहले ये बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, मैंने गलत लिख दिया था बच्चों, बताओ बच्चों कौन सा बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के बीच में सारे के सारे बंध जो होते हैं वो सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के, और हाइड्रोजन के बीच में कौन से होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के, कोवेलेंट नेचर के। पहले क्या होगा, जब इनकी रिएक्शन करवानी होगी तो इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, पहले एक बॉन्ड टूटा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, फिर तीसरा बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पर फिर एक टूटेगा, यहाँ पर तीन है, तीन, एक टूटा फिर दूसरा टूटा फिर तीसरा टूटा, तो तीन तो हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के बिटवीन जो प्रेजेंट है वो टूटे, तो 6 बॉन्ड टूट रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, एक फाइनाइट टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटा लग गया, बिल्कुल एक निश्चित समय लगेगा। इसका मतलब विच प्रोसेस, जहां पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसी दौरान उसके कुछ टाइम लग जाता है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपने, मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की होती है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा,
क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा ये, एक बोन यहाँ बन गया, एक बोन यहाँ बन गया, एक बोन यहाँ बन गया, टोटल है कितने, ये दो हैं, तो यहाँ पर सिक्स बोन बनते हैं NH NH NH, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बोन बोन बनाता है, तो उसका मतलब सिक्स बोन ब्रेक हो रहे हैं, सिक्स बोन की फॉर्मेशन हो रही है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोन, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन, एक निश्चित समय लगता है, एक फाइनाइट टाइम लगता है, इसी टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको नाम दिया गया मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस। और ये सारी की सारी रिएक्शन कैसी रिएक्शंस हैं, एक प्रकार की, ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, जैसे मॉलिक्यूल्स टूटे, 3H2 ये मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं, और ये N2 ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और न्यू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, तो ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें, CH3C00C2H5+H2O की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ फटाफट। अगर CH3C00C2H5 की रिएक्शन, ये एस्टर है, एस्टर की रिएक्शन करवाने पर वाटर के साथ हमेशा क्या बनता है, याद रखना, एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और एक बनता है अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, याद रखना ये बात, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, एक CH3C00OH, और क्या बन गया, C2H5OH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये कैसे टूटा, CH3C00O के साथ एक हाइड्रोजन निकल गया, तो मैं दोबारा बताता हूँ बच्चों, ये फॉर्मेशन होगी, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये देखो कैसे बना, इसकी बात करते हैं एक बारी, कैसे बना देखते हैं एक बार, रुको, जैसे ही CH3C00C2H5 ने रिएक्शन की किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये वाला एरिया टूट गया, CH3C00H बन गया, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड बोलते हैं, या बोल दो इसको एथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक अम्ल, और C2H5OH एक अलग बन गया, जिसको बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब एथेनॉल, एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, और एक एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ये एक प्रकार की मॉडरेट टाइप का रिएक्शन था, जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है ना। आगे एग्जांपल करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब करवाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और बनता क्या है, सिंपल सी बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ करवाएंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसको सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा इसको डीपली नहीं देखना आपने। अब आती है नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाने पर, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बनता क्या है, बनता क्या है बच्चों, NOCl2 बन जाता है, NOCl2 की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक प्रकार का मॉडरेट टाइप या मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हमारी आज की बात कंप्लीट हुई, ये टोटल हमने 3 types ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली बच्चों। सभी बच्चे क्लासें लगाएं और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, आज की सारी बात क्या आपके समझ में आई बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, सारे नोट्स बना लो बच्चों, एक एक चीज की आप नोट्स बनाओ कंप्लीटली बच्चों, सारी बात मेरी समझ में आई, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल 9:00 AM, बाय बच्चों, थैंक यू। कल न्यू टॉपिक करेंगे अपने, वो नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग होगा, उसको और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे और उससे एग्जांपल भी देखेंगे। आज हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमारे कंप्लीट हो गए, केमिकल काइनेटिक का।